Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कंपेटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। तो आइए कंजंक्शंस का अर्थ समझते हुए काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस हम पढ़ते हैं। कंजंक्शंस, कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों को और शब्द समूहों को, फ्रेजेस मतलब शब्द समूह, तो शब्द के समूहों को, एंड क्लॉजेस यानी कि वाक्यांशों को जोड़ता है। कोई भी ऐसा शब्द जो शब्दों को या शब्द के समूहों को या फिर वाक्यांशों को जोड़ता है, उनको हम या उस शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। क्लॉजेस का मतलब वाक्यांशों होता है। वाक्यांश का मतलब होता है कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस अपने आप में पूरा सेंटेंस होता है और इसके बाद भी वह फिर किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। जैसे अभी कोई सेंटेंस आएगा तो मैं आपको क्लॉज का एग्जाम्पल वहां पर मैं दूंगा। तो देर आर फोर काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। तो अब हम कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं इस विषय पर हम बात करते हैं। तो चार प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं, हालांकि चारों के भी आगे कुछ कुछ प्रकार हो जाते हैं, लेकिन हम उन सब पर न जाते हुए सिर्फ चार प्रकार के कंजंक्शंस की ही हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरे होते हैं कोरेलेटिव कंजंक्शंस, तीसरे होते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स एंड चौथे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये जो सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं ये वास्तव में कंजंक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव भी होते हैं, इनमें एडवर्ब्स भी होते हैं, इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं किसी न किसी तरह से, तो इसलिए यहाँ पर इनको सेंटेंस कनेक्टर्स कहा जाता है। ये सेंटेंस कनेक्टर्स की हेडिंग से किसी बुक में मिलती है ये हेडिंग, और बहुत सारी बुक्स में नहीं भी ये हेडिंग मिलती है इस तरह से, लेकिन ये चूंकि कनेक्ट करने का काम करते हैं इसलिए इनको सेंटेंस कनेक्टर्स कहा जाता है। अभी पढ़ेंगे इस विषय में। तो आइए लेट्स कम एंड स्टार्ट विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इनको हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। ये होते हैं एंड, बट, और, नॉर, नाइदर, फॉर, येट, स्टिल, सो। इनके मीनिंग आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ मीनिंग्स के विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, और मीनिंग्स भी हम उन्हीं शब्दों के डिस्कस करेंगे जिनका मुझे लगेगा कि आपको नहीं आता होगा। यूजुअली मैं मीनिंग्स को डिस्कस नहीं करूँगा। तो एंड, बट, और, नॉर, नाइदर, फॉर, येट, स्टिल, सो, ये इस तरह के कंजंक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। अब ये क्यों होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यहाँ पर हम देखते हैं। दे आर यूज टू जॉइन ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम क्लास, रैंक और पैटर्न। तो इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर यूज टू जॉइन ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम क्लास, रैंक और पैटर्न। क्योंकि ये ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द यानी सेम पैटर्न, सेम रैंक और सेम क्लास की ग्रामेटिकल यूनिट्स को ये जोड़ते हैं। तो क्या मतलब हुआ सेम पैटर्न, सेम रैंक और सेम क्लास के ग्रामेटिकल यूनिट्स को जोड़ने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, सेम क्लास, सेम रैंक, सेम सेम पैटर्न का मतलब हुआ कि यदि एक तरफ नाउन है, एंड के एक तरफ नाउन है, तो एंड के दूसरी तरफ भी क्या होगा? नाउन ही होगा। अगर एंड के एक तरफ प्रोनाउन है तो एंड के दूसरी तरफ भी क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इसी तरह अगर एंड से एक तरफ पूरा क्लॉज या सेंटेंस आया है तो एंड के बाद भी, एंड के बाद क्या आएगा? दूसरा सेंटेंस, मतलब पूरा सेंटेंस ही आएगा। अगर एंड से पहले कोई वर्ब आई है और वो वर्ब जोड़ रही है तो फिर एंड के दूसरी तरफ भी क्या होगा? वर्ब होगा। इसको हम कहते हैं सेम क्लास, यानी अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब है, अगर इधर
प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन है, अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन है, अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव है, अगर इधर एडवर्ब है तो इधर भी एडवर्ब है, इसको हम कहते हैं सेम क्लास। इसी तरह से अगर यहाँ पर जो है पार्टिसिपल आया है तो यहाँ भी पार्टिसिपल आएगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म ही आएगी, इस तरह से क्या हो गया सेम रैंक। या फिर यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है तो यहाँ भी कंपेरेटिव डिग्री आएगी, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, इस तरह से क्या हो गया ये हो गया सेम रैंक। और सेम पैटर्न में क्या है, सेम पैटर्न में जिस तरह से यहाँ अगर तीन एडजेक्टिव और तीन एडजेक्टिव जिस पैटर्न से आए हैं तो एंड के बाद भी वो इसी तरह से इसी पैटर्न में आएंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह से इससे पहले सेंटेंस है उसी तरह से इसके बाद भी सेंटेंस आएगा, तो इस तरह से सेम पैटर्न की चीज हो जाएगी। तो इसलिए इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये सेम क्लास सेम रैंक और सेम पैटर्न, यानी कि नाउन को नाउन से जोड़ते हैं प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नाउन को नाउन से जोड़ते हैं प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं, इसलिए इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेट देखिए क्या होता है, स्कूल में एक कोऑर्डिनेटर होता है, एक तरफ टीचर और प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद में फिर बच्चे होते हैं, और बीच में एक कोऑर्डिनेटर होता है, वो क्या करता है दोनों को एक दूसरे के साथ फंक्शन कराने में मदद करता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। तो इसी तरह से यहाँ भी ये कोऑर्डिनेटर जो है, यानी इधर नाउन तो इधर भी नाउन, दोनों से फंक्शन कराता है एंड। इसी तरह से तो ये जो जैसे एंड के लिए मैंने कहा जैसे राहुल एंड मोहन, जिस तरह से मैंने कहा रीता एंड गीता, तो इसी तरह से यहाँ भी बट और नॉर सबके साथ यही कहानी होगी, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहेंगे। तो यहाँ देखिए रानी एंड सपना आर कमिंग टू विजिट अस, तो यहाँ सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट है, ये नाउन है तो ये भी, रानी नाउन है तो सपना भी नाउन है, रानी अगर सब्जेक्ट है तो सपना भी यहाँ सब्जेक्ट है। इसी तरह से द ट्रेन हैज अराइव्ड बट देयर इज नो साइन ऑफ उमेश, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बट से पहले द ट्रेन हैज अराइव्ड ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। इसी तरह से देयर इज नो साइन ऑफ उमेश, तो यहाँ भी क्या है पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसलिए इसको बट को हम क्या कहेंगे, इसलिए बट को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहेंगे, क्योंकि यह दो सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कोरेलेटिव कंजंक्शंस, तो कोरेलेटिव कंजंक्शंस को कौन से होते हैं, कोरेलेटिव कंजंक्शंस में आपका एक तो है द ओ ऑल दो येट, तो द ऑल दो येट का मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता चलता हूँ, इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं हालांकि फिर भी, दूसरा है आयदर और, तो आयदर और का मतलब आप जैसे आयदर और लिखा हुआ है आयदर डॉट 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 और, तो उसी तरह से या डॉट 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 और ऐसे, और फिर या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं या तो पहला, यानी जो यहाँ पे आएगा वो पहला, तो आयदर आयदर डॉट 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 और, यानी या तो पहला और की जगह यहाँ अथवा, और जो यहाँ इसके बाद लिखा जाएगा वो दूसरा, तो या तो पहला या फिर दूसरा, या तो पहला अथवा दूसरा, ये इसकी हिंदी होती है। इसी तरह से तीसरा है नाइदर नॉर, तो नाइदर नॉर मतलब ना ही पहला और ना ही दूसरा, या फिर न डॉट 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 न, यानी नाइदर के लिए भी न और नॉर के लिए भी न, या फिर नाइदर ना ही पहला मतलब ना ही ये वाला, पहला मतलब ये वाला, नॉर और ना ही ये वाला जो नॉर के बाद लिखा जाएगा, ना ही वो वाला। इसी तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है केवल यह ही नहीं, यानी पहले वाला ही नहीं, पहले वाला मतलब जो ओनली के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन, तो राम ही नहीं मोहन भी, इस तरह से। एंड इसी तरह से है बोथ डॉट 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 एंड, बोथ डॉट 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 एंड का मतलब है कि दोनों, दोनों मतलब बोथ, बोथ मतलब दोनों, बोथ राम एंड मोहन, तो दोनों राम और मोहन, इस तरह से दोनों, और इस तरह से इनका हिंदी अर्थ होता है। नो सूनर देन, नो सूनर देन मतलब जैसे ही वैसे ही, यानी जैसे ही मतलब मैंने कोई काम किया वैसे ही कोई घटना घट गई, इसलिए जैसे ही वैसे ही नो सूनर देन का
अर्थ लगाया जाता है। सेवन होता है स्केयर्सली हार्डली डॉट 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 वेन, यानी कि जैसे ही मैंने कोई काम किया या ज्यों ही मैंने कोई काम किया, इसको बहुत मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई या तभी ट्रेन छूट गई। तो इस तरह से हार्डली स्केयर्सली दोनों, और इनके साथ वैन ही आता है। यहाँ पर देखेंगे नो सूनर के साथ देन ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर बोथ आया है और कंजंक्शन के रूप में, कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में, तो यहाँ एंड ही आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अगर आयदर आया, आयदर है, तो नायदर के साथ नॉर ही आएगा, आयदर के साथ और ही आएगा, द ऑल्दो के साथ येट ही आएगा, एंड वेदर के साथ और, वेदर मतलब कि क्या, या इस तरह से अर्थ होता है वेदर का। वेदर मीन से चाहे, या ये भी होता है अर्थ कि क्या, और दूसरा अथवा मतलब मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा अथवा वहीं पर रुकेगा। तो आई डोंट नो वेदर ही विल कम और ही विल स्टे देयर, इस तरह से। इसी तरह से लेट और शुड, लेट शुड का मतलब, लेट के साथ हमेशा शुड आता है, इनका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो के। इसी तरह से एज डॉट डॉट डॉट, एज का मतलब होता है के रूप में, या एज का मतलब ज्यों ही भी होता है, जैसे भी होता है, पहले की तरह भी होता है, जैसे ही भी होता है, वैसे ही भी होता है, जिस समय जिस प्रकार से, ये भी अर्थ होते हैं एज एज के। तो नो नॉट नेवर, नो नॉट नेवर डॉट और मतलब ना ही, ना या ना ही, एंड यहाँ और का मतलब अथवा से होता है। आगे जब प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग आपकी समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, दे आर कॉल्ड कोरेलेटिव कोरेलेटिव्स बिकॉज दे गो इन पेयर्स। इनको हम कोरेलेटिव कंजंक्शंस क्यों कहते हैं? इनको हम कोरेलेटिव कंजंक्शंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा पेयर में, यानी कि जोड़े में ही यूज किए जाते हैं। जोड़े में यूज किए जाते हैं मतलब, जैसा मैंने कहा कि द ओल्डो के साथ येट आएगा, आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, हार्डली स्केर्सली के साथ वैन आएगा, एंड वेदर के साथ और आएगा, एंड लेस्ट के साथ शुड ही आएगा। शुड हालांकि वर्ब होती है, लेकिन मतलब ये शुड ही आती है, यानी लेस्ट अगर यूज होगा तो वर्ब में शुड का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से एज के साथ एज आएगा, और तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये पेयर्स में ही यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज शूज आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट ऑल्सो ऑफ पोअर क्वालिटी। तो यहाँ पर ये शूज महंगे ही नहीं है बल्कि खराब गुणवत्ता वाले, क्वालिटी वाले भी हैं। तो यहाँ पर नॉट ओनली जो आया है वो नॉट ओनली एक्सपेंसिव, यानी एडजेक्टिव से यहाँ पहले आए, तो नॉट ओनली के बाद यहाँ दूसरा जो कंजंक्शन है वह बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया है, बट ऑल्सो। तो इस तरह से नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। फिर है नाइदर नॉर, तो नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द आर्मी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यहाँ पर नाइदर का प्रयोग किया गया है, तो नाइदर के साथ दूसरा उसका पेयर क्या है, नॉर आया है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं। वे कोरिलेटिव कंजंक्शंस वे होते हैं जो पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं, बिकॉज दे गो इन पेयर्स, क्योंकि वो पेयर्स में ही प्रयोग किए जाते हैं या पेयर्स में ही वो रहते हैं। तो इसलिए आप इनको कह सकते हैं कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द आर्मी नोज वॉज गोइंग ऑन, ना ही गवर्नमेंट जानती है और ना ही आर्मी जानती है, सेना जानती है कि क्या चल रहा है। तो वॉज गोइंग ऑन, तो नाइदर द गवर्नमेंट, ना ही गवर्नमेंट और ना ही सेना जानती है कि क्या चल रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। नाउ दिस, अब उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट इज सेंटेंस कनेक्टर्स। तो सेंटेंस कनेक्टर्स क्या होते हैं? सेंटेंस कनेक्टर्स, चलिए पहले तो हम पढ़ते हैं, ऑल्सो, टू, बिसाइड्स, हेंस, हेंस मतलब इस प्रकार से, हेंस मतलब इस प्रकार से, इसलिए ऐसे, हाउ एवर, तो हाउ एवर का मतलब होता है तथापि या मगर, तो भी, यद्यपि, हालांकि, कितना भी, जो हो, तो भी, जैसे भी, ये हाउ एवर का मतलब होता है। इसी तरह से लाइक वाइज, लाइक वाइज का मतलब क्या होता है,
लाइकवाइज का मतलब होता है जैसे वैसे ही, उसी तौर पर, उसी रीति से, या इसी तरह से, इस तरह से आगे चलते तो मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब क्या है? मोर ओवर मीन्स अतिरिक्त, और भी, सिवाय इसके, से बढ़कर, इसके अलावा, और यही नहीं, ऐसे भी मीनिंग्स मोर ओवर के होते हैं। इसी तरह से अगला है हमारा अदरवाइज। तो अदरवाइज मतलब अन्यथा, सो मतलब इसलिए, एंड स्टिल मीन्स फिर भी, देन मीन्स तब तब, और वैसे ही, इस तरह से, दो दो मतलब हालांकि, इस मीनिंग में यूज करते हैं दो। तो यहाँ पर ये इस तरह से, अब हम इसको पेज को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इस तरफ, क्योंकि हमें दूसरे पेज पर जाना है, इसलिए हम पेज को शिफ्ट करेंगे। एंड वी शैल गो टू द टॉप ऑफ द पेज एंड देन वील स्टार्ट। इस तरह से दस दस मतलब इस प्रकार से, येट मीन्स फिर भी, ओनली केवल, इक्वली, इक्वली का मतलब होता है समान रूप से, बराबर बराबर, के समान, वैसा ही, या के बराबर। इसी तरह से सिमिलरली का भी यही मतलब होता है, इस उसी प्रकार, उसी तरह से, के अनुरूप, उसी प्रकार से, ठीक इसी तरह से। तो ये सिमिलरली का मतलब होता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का भी मतलब दूसरी ओर, अपितु वहीं, दूसरी ओर, ये ऑन द अदर हैंड का प्रयोग होता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, तो ऑन द कॉन्ट्ररी का भी मतलब क्या होता है? इसके विपरीत, उलटे, इसके विपरीत, उलटे, ये ऑन द कॉन्ट्ररी का अर्थ होता है। अब दे आर यूज्ड टू रिलेट द मीनिंग्स, आइडियाज ऑफ द सेंटेंसेस दे कनेक्ट। तो इनको हम सेंटेंस कनेक्टर्स क्यों कहते हैं? इनको हम सेंटेंस कनेक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उन आइडियाज को और उन मीनिंग्स को कनेक्ट करते हैं। दे आर यूज टू रिलेट द मीनिंग्स और आइडियाज ऑफ द सेंटेंसेस दे कनेक्ट। यानी ये उन मतलब उन सेंटेंसेस के आइडियाज और मीनिंग्स को रिलेट करते हैं, यानी आपस में उनके आइडियाज और मीनिंग्स का एक संबंध स्थापित करते हैं जिन सेंटेंसेस को ये कनेक्ट करते हैं। यानी जिन सेंटेंसेस को ये कनेक्ट करते हैं उन सेंटेंसेस के साथ, उनके मीनिंग्स और उनके आइडियाज के साथ एक ही संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए हम इनको सेंटेंस कनेक्टर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, टेक द अम्ब्रेला अदरवाइज यू विल गेट वेट। तो अम्ब्रेला ले जाने का जो अर्थ है या मीनिंग है, जो आइडिया है, इसके पीछे का जो विचार है, वो क्या है? तुम्हारा भीगना, अदरवाइज यू विल गेट, अन्यथा तुम भीग जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर ये जो अब अदरवाइज वर्ड है, अदरवाइज वर्ड यहाँ पर सेंटेंस कनेक्टर का प्रयोग, सेंटेंस कनेक्टर का यहाँ पर काम यह कर रहा है। तो इसलिए इसको हम सेंटेंस कनेक्टर, अदरवाइज को हम यहाँ पर सेंटेंस कनेक्टर कहेंगे। इसी तरह से द ऑफर वॉज गुड, स्टिल ही रिफ्यूज्ड। तो ऑफर कैसा था? अच्छा था। स्टिल ही रिफ्यूज्ड, फिर भी उसने मना कर दिया। तो उसके रिफ्यूज करने के कार्यक्रम को किससे मतलब रिलेट कर रहे हैं? द ऑफर वॉज गुड। तो ऑफर के अच्छे होने को हम उसके रिफ्यूज करने से हम रिलेट कर रहे हैं, और वो किससे कर रहे हैं? स्टिल के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसलिए इस स्टिल को क्या कहा जाएगा? स्टिल ही रिफ्यूज, यानी फिर भी उसने रिफ्यूज कर दिया। तो इस तरह से रिफ्यूज करने का जो आइडिया या मीनिंग है, उसको हम द ऑफर वॉज गुड से रिलेट कर रहे हैं, और ये रिलेट कर पाना हम स्टिल से ही संभव हो रहा है, इसलिए स्टिल को हम यहाँ पर सेंटेंस कनेक्टर कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसा कि आपने देखा कि वो एक रैंक और एक पैटर्न और एक क्लास के शब्दों को ही वे ज्वाइन करते हैं, यानी कि एक तरफ नाउन है तो दूसरी तरफ भी नाउन है, एक तरफ एडजेक्टिव है तो दूसरी तरफ भी एडजेक्टिव है, एंड एक तरफ अगर प्रोनाउन है तो दूसरी तरफ भी प्रोनाउन है, अगर एक तरफ वर्ब है तो दूसरी तरफ भी वर्ब है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का स्वरूप होता है, लेकिन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यह नहीं होता है। वास्तव में सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, मुझे ध्यान नहीं है इसमें नीचे शायद लिखा होगा सबॉर्डिनेटिंग, लेकिन मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि
सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वे होते हैं ऐसे कंजंक्शंस जो कि किसी क्लॉज के साथ आते हैं वे, और किसी सेंटेंस को वह किसी दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने में मदद करते हैं उन सेंटेंसेस को हम, यानी एक सेंटेंस को किसी एक सबॉर्डिनेट क्लॉज को किसी दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज से, या मेन क्लॉज कहें उसको, तो मेन क्लॉज से जोड़ने में जो कंजंक्शंस मदद करते हैं उनको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज या सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस उनको हम कहते हैं। यानी ऐसे कंजंक्शंस जो सबॉर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने में मदद करते हैं उनको हम सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। दूसरा, जो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं होते हैं वे सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं। तीसरा, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे वे सभी कंजंक्शंस जो किसी सेंटेंस के साथ जुड़कर प्रिंसिपल क्लॉज से तो जोड़ते ही हैं, साथ ही जिस क्लॉज को या जिस सेंटेंस को वो जोड़ रहे हैं उस सेंटेंस को या तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देते हैं, या ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या एडजेक्टिव बना देते हैं, या एडवर्ब बना देते हैं, तो उसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो आगे चल के हम इसका जैसे कोई एग्जांपल आएगा तो बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये देखिए, देर आर सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दे आर यूज टू इंट्रोड्यूस सबॉर्डिनेट क्लॉजेस एंड ज्वाइन दम टू प्रिंसिपल क्लॉजेस और मेन क्लॉजेस। यानी ये जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये सबॉर्डिनेट क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज बिना सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के प्रयोग नहीं की जा सकती। यानी कि यहाँ पर ये फिर से ध्यान देखें या फिर से ध्यान दें कि जिस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन से जोड़ता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उस तरह से यह नहीं जोड़ता, या एक क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है यह। ठीक है, ये ध्यान रखें, सबॉर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से या प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने वाले शब्द को हम सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। देर आर थ्री काइंड ऑफ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी तीन प्रकार होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सिंपल सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो सिंपल सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है एक तो, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद, ऑल दो मतलब हालांकि, एज एज मतलब के रूप में बताया, बिकॉज, बिफोर, इफ, हाउ एवर बताया था अभी, तथापि इसका मीनिंग, वंस, सिंस, वंस मीन्स एक बार, या सिंस मीन्स तब से, जब से, देन मीन्स तभी या जब ही, इस तरह से, तभी तभी उसी समय, दैट की, टिल अनटिल यानी जब तक के, न अनलेस भी जब तक के, न वेन मीन्स तब, जब मतलब कब, जब तो कब तो नहीं होता है लेकिन जब, वेयर, वेयर मीन्स जहाँ, वाइल, वाइल मीन्स जब, एंड वेदर, वेदर मीन्स कि क्या, वेदर ही विल गो और नॉट, इस तरह से। यहाँ पर देखिए अब इसका एग्जाम्पल, ही केम, हाँ, आफ्टर आई हैड लेफ्ट, तो देखिए आई हैड लेफ्ट एक सेंटेंस है और ही केम ये एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आफ्टर हो गया। आफ्टर अब क्या है, आफ्टर किसको जोड़ रहा है, आई हैड लेफ्ट को जोड़ रहा है, आई हैड लेफ्ट को ही केम से जोड़ रहा है, और जोड़ ही नहीं रहा है बल्कि आफ्टर के साथ लग करके ये एडवर्ब का काम कर रहा है। हालांकि ये जो मैं अभी बात कह रहा हूँ कि एडवर्ब का काम कर रहा है, ये जब क्लॉजेज आप पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में टॉपिक आएगा क्लॉज का, तो क्लॉज आप पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं यही बता दूं कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ही केम, तो ही केम, व्हेन डिड ही कम, आफ्टर आई हैड लेफ्ट, ही केम, व्हेन डिड ही कम, व्हेन से पूछने पर जो शब्द या जो उत्तर मिलता है वो उत्तर एडवर्ब ही कहलाता है। तो व्हेन डिड ही कम यानी वह कब आया, आफ्टर आई हैड लेफ्ट यानी जब मैं चला गया, या जब मैंने छोड़ दिया, या जब मैं चला गया उसके बाद, तो जब मैं, मेरे जाने के बाद, तो इसलिए मेरे जाने के बाद सीधा क्या है, ये
ही केम के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको आई हैड लेफ्ट को ये एक क्लॉज है और इस क्लॉज को वह ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इस प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ रहा है, इसलिए ये आफ्टर जो है वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। पॉइंट बी, नाउ पॉइंट बी में कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है, मतलब एक तो सिंपल सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया, दूसरा है आपका कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पॉइंट बी में। तो कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, तो देखिए सिंपल सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से, जैसे अनलेस या देखा, वेन देखा, वेयर देखा, वाइल देखा, वेदर देखा, तो ये सभी एक एक शब्द के हैं, इसलिए इनको सिंपल सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा गया। लेकिन कंपाउंड का मतलब क्या है, एक से ज्यादा कोई मिक्सचर, एक से ज्यादा किसी चीज में कोई चीज लगी हो तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड यहाँ किस लिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा शब्दों से मिल करके यह बना हुआ है, जैसे एज फार एज ये एक शब्द है, एज लॉन्ग एज ये एक शब्द है, एज सून एज एक शब्द है, सो लॉन्ग एज एक शब्द है, सो फार एज एक शब्द है, इन एज मच एज एक शब्द है, जस्ट एज एक शब्द है, तो इसलिए ये इसको हम यहाँ पर कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंपाउंड कंजंक्शंस कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका जो मीनिंग है इसको देखिए आप, सो फार एज मतलब जहां तक की, इस तरह से इसका मीनिंग होता है, सो लॉन्ग एज भी जहां तक की या जब तक, जहां तक की, एज सून एज मतलब जब तक की, एंड इसी तरह से सो लॉन्ग एज भी जब तक की, सो फार एज ये भी जब तक के, इन एज मच एज, तो इन एज मच एज का मतलब यद्यपि कह सकते हो, क्योंकि कह सकते हो, इस कारण से कह सकते हो, इससे कह सकते हो, या चूंकि से कह सकते हो, चूंकि, इसी तरह से सो फार एज का भी मतलब जहां तक कि मैंने बताया, जितना, क्योंकि, ऐसे कह सकते हो, या जितना कह सकते हो, जितना क्योंकि भी कह सकते हो, इसी तरह से इन एज मच एज ये है, इन एज मच एज, तो इन एज मच एज का मतलब क्या है, यद्यपि है, क्योंकि, चूंकि, इस कारण से और इससे, ऐसे कह सकते हो। एंड जस्ट एज का मतलब के रूप में ऐसा कह सकते हो, जस्ट ठीक उसी रूप में, इस तरह से ठीक वैसा ही, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, इनको कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बने। यहाँ पे देखिए अनलेस एक शब्द का है, वेन एक शब्द का है, वाई वेयर एक शब्द का, वाइल एक शब्द का, वेदर एक शब्द का है, इसी तरह ठीक इसके ऊपर कुछ लिखे हुए वो भी सब एक ही एक शब्द के हैं, लेकिन ये सभी क्या है, ये सभी एक से ज्यादा शब्दों के, इसलिए हम इनको कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कह रहे हैं। यानी दो दो तीन तीन शब्दों के भी मिल करके अगर कोई शब्द है इस तरह से, तो ये फ्रेज जैसा काम करते हैं, तो ये भी कंजंक्शंस ही होते हैं, यानी ये भी कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इनका नाम हो जाएगा। श्री गार्लैंडेड हिम एज सून एज ही अराइव्ड, यानी एज सून एज मीन्स जैसे ही वह आया वैसे ही उसने उसको माला पहना दी, तो जैसे ही वह आया वैसे ही, तो एज सून एज मतलब जैसे ही आया वैसे ही, तो जैसे ही वैसे ही इसका अर्थ हो गया, जैसे ही वह आया वैसे ही उसने उसको माला पहना दी, श्री गार्लैंडेड हिम एज सून एज ही केम, इस तरह से ये कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसका है कि इन दैट सेकंड पार्ट इज, इन मतलब सेकंड, इसका सेकंड टाइप है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो एक तो ये था आपका, एक तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक तो ये है, मतलब कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में एक टाइप तो ये आपका कि ये थे, दूसरे आपके कुछ ये हैं वो इस प्रकार के हैं, ये भी सब कंपाउंड ही है, और कंपाउंड सबॉर्ड मतलब तीनों कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से इनको अलग अलग हेडिंग में लिखा गया है। तो जैसे ये इन दैट है, तो इन दैट का मतलब क्या है, इन दैट का मतलब जैसे के कारण से, या इस बात में, या इसका मीनिंग क्योंकि, ऐसे भी इन दैट का अर्थ लगाया जाता है। इसी तरह से सो दैट का मतलब ताकि, की, या जिसकी वजह से, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इन ऑर्डर दैट, तो इन ऑर्डर दैट का मतलब उस आदेश के क्रम में, या ताकि, या फिर की, ऐसे भी ये भी अर्थ
इन ऑर्डर दैट का लगाया जाता है। इसी तरह से सच दैट, तो सच दैट का मतलब क्या है, जैसे ऐसा है कि जैसे या यथा, इस तरह के अर्थ में हम सच दैट का प्रयोग करते हैं। देन इज नाउ दैट, तो नाउ दैट का मतलब क्या है, चूंकि अब, चूंकि अब। इसी तरह से प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट का भी मतलब क्या है, ये भी इसका मतलब बशर्ते कि, ऐसे कह सकते यदि, यदि या बशर्ते कि, या फिर परंतु या तब जबकि, इस तरह से भी इसका मीनिंग लगा सकते हैं। इसी तरह से कंसिडरिंग दैट, कंसिडरिंग दैट का भी मतलब क्या लगा सकते हैं, जैसे इस विचार से कि, इसका विचार करके या ध्यान में रख कर, है ना, इस तरह से कंसिडरिंग दैट का अर्थ लगा सकते हैं। इसी तरह से ग्रांटिंग दैट, ग्रांटिंग दैट मतलब स्वीकार करते हुए, स्वीकार कर कर, इस तरह से। ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट मतलब उस परिस्थिति में या उस स्थिति में, ऑन ऑन कंडीशन दैट आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल, यू कैन गो फॉर द ट्रैक प्रोवाइडेड यू आर वेल, मतलब आप जो है ट्रैक के लिए जा सकते हैं, यानी ऐसी यात्रा जो जोखिम भरी यात्रा होती है उसको हम ट्रैक कहते हैं। तो यू कैन गो फॉर द ट्रैक प्रोवाइडेड यू आर वेल, प्रोवाइडेड मीन्स इफ यू आर वेल। यहाँ पर प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, इफ, यानी बशर्ते कि तुम अच्छे हो। तो यहाँ हिंदी में तो आप बशर्ते शब्द कह सकते हैं, बशर्ते कि आप अच्छे हो, बशर्ते कि आप स्वस्थ हो। तो यहाँ बशर्ते आप स्वस्थ हो मतलब इफ यू आर वेल। तो यह प्रोवाइडेड का मतलब, या प्रोवाइडेड दैट कुछ भी लिखा हो, दैट भी लिख सकते हो, केवल प्रोवाइडेड, तो दोनों का ही मतलब होता है इफ, इफ यू आर वेल। तो इस अर्थ में भी ये कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसके बाद तीसरे होते हैं एज इफ, एज दो, इन केस। ये जो इन केस होता है, इन केस, तो इन केस का तो मतलब होता है यदि, स्थिति में या अवस्था में, अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा इस अर्थ में होता है इन केस, यानी अगर ऐसा हो जाए तो इस केस में होता है इन केस यहाँ पर। लेकिन एज इफ, एज दो, ये होते हैं मानो के, सपोज। तो टेक एक्स्ट्रा मनी इन केस यू नीड इट, कहीं ऐसा हो जाए कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, तो यहाँ पर इन केस का प्रयोग किया गया। चूंकि ये एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बने हैं, इसलिए हम इनको कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। तो एक तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, दूसरे कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, एंड तीसरे जो सी टाइप है, तीसरा सी टाइप है, वो क्या है, वो कोरिलेटिव सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं, या कोरिलेटिव सबॉर्डिनेटर्स भी होते हैं। ये देखिए, जो कोरिलेटिव है, ये पिछले जो आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस है उसमें इसको पढ़ाया जा चुका है, या मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, कोरिलेटिव होते क्या है, ये सबॉर्डिनेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोरिलेटिव है, ये पेयर में होने के कारण इनको कोरिलेटिव कहा जा रहा है। ये लगभग ये पिछले हेडिंग्स में आपके आए थे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं उनमें कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस में, और कुछ कंजंक्शंस कोरिलेटिव सबॉर्डिनेटर्स भी होते हैं। बात इतनी है सिर्फ। और यानी ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये कोरिलेटिव हो जाएगी, लेकिन ये आते पेयर में है, यानी कि ये आ पेयर में रहे हैं, इसलिए इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कह रहे हैं। जैसे एज, एज, जस्ट, एज, सो, सच के साथ या दैट आएगा, नो सूनर के साथ या दे नहीं आएगा, स्केयर्सली के साथ या वे नहीं आएगा, दो के साथ या येट ही आएगा। तो इसलिए ये सबॉर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहे जा रहे हैं। एंड देन इसको यहाँ पर इसी तरह से दी, दी डॉट 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 दी है, तो वैसे तो ये दी देखिए आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये जब आगे पढ़ेंगे कि जब ये ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती है, यानी जैसे हमने कहा द हायर यू गो, द हायर यू गो, द कोल्डर यू गेट और कोल्डर यू फील, तो यहाँ पर दोनों के साथ आर्टिकल दी दी आता है। तो ये दोनों आर्टिकल दी दी ही दोनों क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं
क्लॉजेस को, तो इसलिए इन यहाँ पर दी दी लिखा हुआ है कंजंक्शन के रूप में, कोरिलेटिव कंजंक्शंस के रूप में, अदरवाइज ये आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि कुछ और भी शब्द इस तरह से होते हैं, यानी आर्टिकल्स भी कभी कभी इस तरह से कंजंक्शंस का काम कर सकते हैं। इसी तरह से सो दैट लिखा हुआ, इसी तरह से हार्डली, वेन, इसी तरह से वेदर, और ये सभी हमने उसमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस में इनके मीनिंग्स लगभग बता दिए। इफ देन मतलब यदि और तभी ये होता है। इफ आई डोंट रिटर्न इन एन आर, ये एग्जाम्पल है इसी का है। इफ आई डोंट रिटर्न इन एन आर देन कॉल द पुलिस। तो इफ जो है वह क्या कर रहा है, ये देखो पेयर में है, और आई डोंट रिटर्न इन एन आर ये एक सेंटेंस है, और कॉल द पुलिस ये दूसरा सेंटेंस है। तो दोनों को ये क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी ऐड कर रहा है। तो इसलिए इफ आई डोंट रिटर्न इन एन आर, अगर मैं 1 घंटे में नहीं आता हूँ, देन कॉल द पुलिस। तो ये दोनों इफ के साथ यहाँ देन आया, तो ये पेयर में हो गया, तो इसलिए इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कह रहे हैं। नाउ नोट, नोट में क्या है, नोट में रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स टू कैन फंक्शन एज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स भी कंजंक्शंस का काम कर सकते हैं, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम कर सकते हैं, यानी इनसे भी हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब्स या रिलेटिव प्रोनाउंस का काम जोड़ना ही होता है। तो जब ये जोड़ते हैं तो ये रिलेटिव मतलब ये एक तरह से कंजंक्शन का ही काम कर रहे होते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देख सकते हैं, द वॉच दैट यू गेव मी इज वेरी हैंडी। तो यहाँ पर दैट जो वर्ड है द वॉच, अब यह दो सेंटेंस हो रहे हैं, दो सेंटेंसेस हो रहे हैं, द वॉच इज वेरी हैंडी, एक तो ये सेंटेंस हो गया दैट यू गेव मी, दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये दैट यू गेव मी किससे अटैच हो रहा है, द वॉच दैट यू गेव मी, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए ध्यान से सुने इसको, द वॉच दैट यू गेव मी इज वेरी हैंडी। तो द वॉच को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, दैट यू गेव मी, तो दैट यू गेव मी पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस को दैट से कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, और ये रिलेटिव प्रोनाउन इसको कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये भी एक तरह से सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसी तरह से आई शैल गो, आई शैल ओनली गो व्हेन यू हैव कम बैक, आई शैल ओनली गो व्हेन यू हैव कम बैक। तो ये भी क्या हो गया, यहां भी व्हेन शब्द, व्हेन व्हेन शैल आई गो, तो आई शैल गो ओनली व्हेन यू हैव कम बैक। तो ये व्हेन यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और पूरे क्लॉज को जोड़ करके एडवर्ब सा ही बना रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ के रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव प्रोनाउंस भी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम करते हैं या कर सकते हैं। पॉइंट बी इज हैड, वर और शुड, दीज वर्ब्स टू कैन फंक्शन एज ए सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन कंडीशनल क्लॉजेज व्हेन इफ इज नॉट यूज्ड। तो हैड, वर और शुड ये भी मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैड यू टोल्ड मी इन टाइम आई वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड यू, वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड हैव चेंज्ड द फेस ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से यदि वर का यूज नहीं किया जाता, मीन्स इफ का यूज नहीं किया जाता है और बिना इफ के सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है, तो जैसे मैंने अभी कहा हैड यू टोल्ड मी इन टाइम आई वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड यू, तो हैड को मैंने इफ की जगह पर स्टार्ट किया। यहाँ सबसे पहले हैड यू टोल्ड मी इन टाइम, अगर हम ऐसे न इफ को यूज करेंगे तो हम कहेंगे इफ यू हैड टोल्ड मी इन टाइम। तो अगर हम इफ को यूज ना करें तो ये हैड भी क्या है, एक तरह का कंजंक्शंस की तरह ही काम करता है। मैंने कहा हैड यू टोल्ड मी इन टाइम, फिर कॉमा आई वुड हैव हेल्प्ड यू, या हैड यू टोल्ड मी इन टाइम आई वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड यू, आई वुड सर्टनली हैव हेल्प्ड यू, ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर ये हैड, वर और शुड ये भी किसका काम कर रहे हैं, इस तरह से कहें तो कंजंक्शन का ही काम कर रहे हैं, अगर हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो किसकी जगह मैंने बोला इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो जब मैं इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कहता हूं तो उसकी जगह मैं इफ ना कह करके इस तरह से कहता हूं वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो
तो यहां ये जो वर है वो दूसरे सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ रही है। जैसे वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई वुड हैव चेंज्ड द फेस ऑफ द कंट्री, आई वुड चेंज द फेस ऑफ द कंट्री। तो आई वुड चेंज को किससे जोड़ रही है, वर आई द प्राइम मिनिस्टर, तो वर इस सेंटेंस से जुड़ रहा है वर के कारण, तो इसलिए हम इसको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कह सकते हैं। तो यही इसीलिए यहां पर दिया हुआ है कि हैड वर शुड दीज वर्ब्स टू कैन फंक्शन एज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन कंडीशनल क्लॉजेस व्हेन इफ इज नॉट यूज्ड। तो इस वीडियो में यहीं तक है, अगला वीडियो में यहाँ से यूसेज का टॉपिक अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो अभी इस वीडियो की आप प्रैक्टिस करिए और इसको समझिए, तब तक हम दूसरा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं, और जब तक दूसरा वीडियो आता है तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।